जय माता दी। भोजपुरिया खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से बेसन की सब्जी बनाएंगे, जिसके पहले बनाने के लिए हम मसाला लिए हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको पानी थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इन्हें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ऐसे ही करना है। अब ये हो गया, अब इसे बेसन के अंदर डाल देंगे। अब बेसन के हरी मिर्ची, बारीक कटे हुए प्याज, अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है बनने के बाद, बिल्कुल नए तरीके की सब्जी है ये जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये गीला हो सकता है। देख लीजिए, इतना ही आपको रखना है, ज़्यादा ना गीला ना ज़्यादा ना कुछ। अब इसे कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कड़ी वाली बड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। सबको एक बाय एक डाल देंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि इसी तरीके के आने वाले वीडियोस आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले। ने एक डाल दिया है हमने अच्छे से सबको। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से रेड करना है, देख लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये पूरा अच्छे से हमने रेड कर लिया है, इसे दोनों तरफ से देख सकते हैं आप। अब इसे निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। अब कढ़ाई में दोबारा सरसों का तेल डाल के सही से तेल डाल के गरम करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले, देख लीजिए डाल दिए कुछ खड़े मसाले। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। अब इन्हें डाल के कम से कम 2 मिनट तक इतने अच्छे से लाल करना है, देख लीजिए। इसी तरीके से मिक्स करना है। और जो हमने बड़ी को बना लिया है, देख लीजिए, निकाल लिया इसे अच्छे से प्लेट में। एक बार दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हुआ है। अब ये हमारा मसाला भी हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था शुरू में, वो डाल देंगे इसके अंदर पेस्ट। इसे डाल के अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। प्लीज़ कमेंट में बताया कि आपको ये बिल्कुल नए तरीके से सब्जी की रेसिपी कैसे लगी। इसी तरीके से भी इसे बेक्स करना है। इसे ढक करके 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देख लीजिए, अब इसके अंदर दही डालेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं। हमने दही डाला है इसके अंदर। इसे डाल के अच्छे से पहले मिक्स करेंगे दही को, ताकि अच्छे से मसाला के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसे ढक के फिर से 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देख लीजिए मसाला एक बार और मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा।
देख लीजिए। अब इसके अंदर बड़ी को डाल देंगे जो बनाया था हमने। अब इसे ढक करके 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेंगे डाल के। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ही बनके तैयार है। देख लीजिए बिल्कुल ही बनके ये सब्ज़ी तैयार है हमारी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली या फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही आप सब्ज़ी बना सकें। इसी तरीके के आने वाले वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, आप इसे किसी के भी साथ खाइए। मिलती हूँ मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।